Good morning, dear student. How are you all? You all are fine at home? Okay, so dear student, this is Joy Singh, your maths teacher. So welcome to the maths online class. First of all, student, I'm going to inform you that please submit your maths copy to the school office. So you are not submitting your copies to the school office. So please submit it. Okay. Now, in the last meeting, means on Google Meet, you all are not facing any problem. Now come to page number 119, that is comparing masses. Okay, comparing masses means weight. You are going to compare आपको weight, उसकी weight कितनी है, आपकी pencil की weight कितनी है, pen की weight कितनी है, book की weight कितनी है. So that you are going to learn in the masses. Okay, mass means weight, कितना उसका weight है. Mass means weight. Okay, now see here, one pictures are given on page 119. Okay, so in this page you can see two girls are there, Priya and Anu, are sitting on a seesaw. वो लोग seesaw पे बैठे हैं, आप लोग भी बैठे होंगे. Now Priya's side is lower than Anu's side. Why? अगर प्रिया की साइड अगर लोअर है एंड अनु इज अबव, तो क्यों? तो बिकॉज अनु इज लाइटर, मीन्स प्रिया इज हैवियर देन अनु एंड प्रिया वेज मोर देन अनु, मीन्स प्रिया की जो वेट है वो अनु से ज्यादा है. ठीक है, तो वो डाउन हो गई है एंड अनु जो है वो अप हो गई है. मीन्स अनु इज लाइटर देन प्रिया एंड अनु वेज लेस देन प्रिया. ओके, तो इसमें आपके दो लोग, आपके अगर सिबलिंग्स है, आपके फ्रेंड्स है, कोई भी है, तो आप वेट करोगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपके फ्रेंड्स का वेट कुछ और होगा और आपका वेट कुछ और होगा. ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग मास में पढ़ेंगे. नाउ वेट टेल अस हाउ हैवी अ थिंग इज. नाउ मेजरिंग वेट इन ग्राम्स एंड किलोग्राम. वेट जो होता है वो हमेशा किसमें होते हैं? ग्राम. ओके, हम लोग इसको किसमें मेजर करते हैं? ग्राम और किलोग्राम. ओके, किलो ग्राम. ठीक है, ग्राम को हम लोग जी से कंपेयर करते हैं और किलोग्राम को केजी से. ठीक है, इस ये है आपका. नाउ सी हाउ मच इज वन ग्राम. वन ग्राम कितना है? तो ना अ पेपर क्लिप वेज अबाउट वन ग्राम. अब वन ग्राम आप मेजर करो कि वन ग्राम कितना होता है. तो वन ग्राम जो होता है, जो पेपर क्लिप है आपके पिक्चर्स में दिए हुए हैं, पेपर क्लिप इज वन ग्राम. योर पेंसिल वेज अबाउट 5 ग्राम्स. आपकी जो पेंसिल है उसकी वेट 5 ग्राम्स है. ओके, ओनली 5 ग्राम. नाउ अ पेन वेज 10 ग्राम. एग वेज अबाउट 50 ग्राम. एग की जो वेट होती है वो 50 ग्राम होती है. नाउ दिस पेयर ऑफ सीजर वेज अबाउट 100 ग्राम्स. और सीजर जो इस टाइप की सीजर होती है वो 100 ग्राम्स की होती है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. If we want to weigh heavier object, we use kilogram as a unit. We write kilogram as kg and how much is 1 kilogram. So this piece of watermelon weighs 1 kg. अगर half kg, 1 kg, 4 mangoes weight 1 kg, तो 1 kg ये सब चीजें होती हैं. Now balance beams होते हैं, beam balance होती हैं, weighing machines होती हैं, physical balance होती हैं. ये सब चीजें जो होती हैं आपके शॉप पे, जो आप जनरल स्टोर में जाते हो, तो इसमें इस टाइप्स की वेइंग मशीन आपको दिखती है. ठीक है, इससे हम लोग वेट को मेजर करते हैं. नाउ टिक द थिंग्स व्हिच वेज मोर देन 1 kg. अब मोर देन 1 kg जो है वो ना पेज 120. ठीक है, 120 पेज में टिक द थिंग्स व्हिच वेज मोर देन 1 kg. तो बुक, सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स. सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स जो है वो 1 kg, नो उसको क्रॉस करिए. बॉल, नो. ये जो टेबल दिया है ये आपको टिक करना. टेबल के ऊपर देखिए बुक है, तो ये 1 kg की हो सकती है. ठीक है, सी हियर, यहाँ पे आपका बुक है. ओके, तो बुक तो नो होगा. देन बॉल इज देयर, मीन्स ये बॉल है, तो ये भी नो होगा. देन टेबल इज देयर, है ना, एक टेबल है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है. ओके,
यहाँ पे आपको टिक करना है. देन फ्लावर वॉश इज देयर. ओके फ्लावर वॉश, तो ये वॉश आपका टिक होगा. गॉगल्स इज देयर, गॉगल तो इसमें नो होगा. देन टेबल पैन, पैन इज देयर. ओके सो इसमें भी आपका यस होगा. ओके सो ये आप देख लीजिए, थ्री वॉश इज देयर, टेबल इज देयर, फैन, ये थ्री चीजें जो है वो आपका वेट 1 kg से ज्यादा होगा इसका. ठीक है, तो इसको आप करिए अपने बुक में, डू इट. मक्खी कहाँ से उसे? मक्खी तो है. Okay student, now come to the page number 121. Okay, page number 121. So see here on page 121, write gram. Some pictures are there. See, can you see this page? Page 121. Okay. So here write grams. If you would measure the weight of this thing in gram, आपको ग्राम लिखना है जो आपको लगता है कि वो ग्राम में होगा. And kilogram if you would measure the weight in kilograms. Okay, तो first one is dog. ठीक है, first one is dog. Dog is there. Pictures बने हैं, तो इसके सामने आपको kg लिखना है, किलो ग्राम्स. डॉग्स की जो साइज होती है वो केजी में होगा. ओके तो इट इज केजी, किलोग्राम. देन इज बिस्किट, बिस्किट्स आर देयर. तो बिस्किट जो होती है वो ग्राम में होगी. ओके बिस्किट जो होगी वो ग्राम्स में होगी. देन अंकल चिप्स, अंकल चिप्स, तो अंकल चिप्स जो होगा वो ग्राम में होगा. ओके ग्राम्स. देन इज केक. ओके तो केक इज आल्सो इन ग्राम. ये तो आपका छोटा पाउंड का है, 50 pound का होगा या 1 pound का जो भी होगा, तो वो 1 pound का होगा, तो ये ग्राम में ही आएगा. ठीक है, सो डू इट.
Do it fast, student. So it is all about the comparing masses, that is weight. हम लोग किसी का weight के बारे में इसमें measure करते हैं, तो वो या तो gram में होता है या तो kilogram में होता है. तो two things you are going to learn, that is grams and kilograms, okay? And up to page number 121 you are going to complete. Now in the next class I will start the comparing capacities. Capacities जो होती हैं उसको हम लोग liquid में मेजर, जो लिक्विड चीजें, जो भी लिक्विड होती है, ऑयल होता है, वाटर होता है, मिल्क होते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग लिक्विड में मेजर करते हैं, मीन्स लीटर में मेजर करते हैं. इसके मेजरिंग जो यूनिट होती है वो लीटर होती है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटीज के बारे में. सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज कंप्लीट योर ऑल वर्क इन योर बुक एज वेल इन योर नोटबुक एंड सबमिट योर नोटबुक टू द स्कूल ऑफिस. ओके, so bye, take care.